नवीन प्रकाश के मामले को लेकर झाझा के सर्वदलीय संगठन के द्वारा निकाली मसाल जुलूस। जमुई के झाझा थाना क्षेत्र के झाझा में नवीन प्रकाश के मामले को लेकर झाझा थाना प्रभारी के विरुद्ध जुलूस निकाला गया। जुलूस दुर्गा मंदिर से लेकर मेन बाजार होते हुए स्टेशन तक ले जाया गया, जहां पर झाझा के सर्वदलीय संगठन के द्वारा नारेबाजी करते हुए बताया कि झाझा के थाना प्रभारी की मनमानी के विरोध में हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला है। अगर उच्च अधिकारी मामले की जाँच कर थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग झाझा सोमो के मुख्य मार्ग कर्पूरी चौक को जाम करेंगे। खबर 365 न्यूज के लिए जमुई बिहार से संजीत वर्णवाल की रिपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, थाना प्रभारी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए ऐसा है कि झाझा के थाना प्रभारी ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। 20 तारीख को नवीन प्रकाश जी, जो कि जमुई जिले की नाक कहलाते हैं, उनकी इकलौती बहन की शादी थी, जिसमें कि उनके भाई या कोई कुटुंब उनके आ रहे थे, तो उसको पकड़ लिया गया झाझा सोजाना मोड़ पे, ये कहते हुए कि आपके पास हेलमेट नहीं है। तो उसके पास पैसे नहीं थे चालान के देने के लिए, तो उसने नवीन प्रकाश जी को फ़ोन किया। नवीन प्रकाश जी वहाँ पहुँचे और नवीन प्रकाश जी ने वही किया जो एक आम नागरिक हिंदुस्तान का करता है, कि आप पैसे लीजिए और मुझे चालान काट के दीजिए। जिसके एवज में चालान देने से थाना प्रभारी ने और थाना प्रशासन ने मना कर दिया, तो उसके बाद ये बखेड़ा शुरू हुआ और थाना प्रभारी को ये बात उनकी ईगो पे लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने हवालात में ले जाके बंद कर दिया और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी और सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, ताकि किसी का भी फोन आए तो कोई कार्रवाई नहीं हो सके। अच्छा, ये सर, एक बात बताइए, थाना प्रभारी का कहना है कि हमारे साथ गाली गलौज भी किया, गलत बोल रहे हैं, वो वीडियो दिखाए ना, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कर्पूरी चौक पर, जहाँ पर की ये घटना घटित हुई है, वो वहाँ पर सरकार का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज निकाल के देखिए आप लोग, और थाना प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी देखे उसकी फुटेज निकाल करके, कि वहाँ पर नवीन प्रकाश ने, हाँ पुलिस प्रशासन सामने से हाइपर होकर के कड़े शब्दों में बात कर रही है, डांट रही है, तो सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं है तो वो भी उसी अंदाज में जवाब देगा, वो बिल्कुल सही है नवीन प्रकाश अपनी जगह पर। ये सिर्फ घिनौना कृत्य किया गया है झाझा थाना की तरफ से, जो कि जिसकी कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और विरोध करता हूं, और साथ ही साथ ये भी झाझा थाना प्रशासन को बतलाना चाहता हूं कि नवीन प्रकाश को अगर आपने ये नहीं किया, छोड़ा नहीं, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आगे उसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन, झाझा प्रशासन और झाझा थाना की होगी। देखिए जिस प्रकार से थाना का गुंडागर्दी झाझा में चल रहा है, उसके खिलाफ में आज पूरे झाझा के तमाम संगठन के लोग इकट्ठित होकर के, झाझा की तमाम जनता इकट्ठित होकर के आज मसाल जुलूस निकाली है। जिस प्रकार से थाना में दलाली होता है, जिस प्रकार से दलाली के माध्यम से थाना में तरह तरह की घटनाएं होती है, अगर क्षेत्र में कोई घटना होती है उसको किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता है, जब तक लोग पैरवी नहीं करते हैं, जब तक लोग पैसा नहीं देते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, बेवजह लोगों को फंसा दिया जाता है। ऐसे ही एक घटना हमारे भाई नवीन प्रकाश जी के साथ हुआ, वह चालान मांग रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, क्या चालान मांगना जुर्म है? अगर जुर्म है तो देश के प्रत्येक नागरिक ऐसा जुर्म करते हैं। उन्होंने चालान मांग रहा था और उन्हें बाईजबरन झूठे केस में फंसाकर अरेस्ट करके भेज दिया गया जेल। ऐसे कृत्य का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और पूरे झाझावासी झाझा थाना के खिलाफ में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारे भाई नवीन प्रकाश को इंसाफ नहीं मिलता है और झाझा प्रशासन के रवैया ठीक नहीं होता है, तो पूरे झाझावासी एकजुट होकर के झाझा सोनो मुख्य मार्ग को, झाझा जमुई मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करेंगे और प्रशासन को होश में आना पड़ेगा। ये हम नारा लगाए हैं कि नवीन प्रकाश का इकलौता बहन का शादी था, जिसमें से चालान का दे रहे थे, दूसरा आदमी मोटरसाइकिल लेके गया और जब खबर किया नवीन प्रकाश को, नवीन प्रकाश चालान देने के लिए तैयार हुआ और चालान देने के लिए नहीं मजबूर कर दिया कि पैसा दो, चालान नहीं देंगे, रसीद नहीं देंगे। बाद होकर उस आदमी के साजिश के तहत, जबकि भारत का पहला व्यक्ति जिला में बॉलीवुड में उसका नाम है और रोशन किया, वैसा परिवार को छवि को दाग मिटाने के लिए ये नवीन प्रकाश को जेल दिया गया, जबकि कई मंत्री कई नेता लोग ये प्रशासन को बोला गया कि उसको छोड़ा जाए, वो ऐसा नहीं किया। ऐसा करने से साफ जाहिर होता है
कि हम लोग झाझा के लोग गुलाम हैं, प्रशासन नेता है, हम लोग गुलाम हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार को संपत्ति सीबीआई द्वारा जांच हो, उसकी गुंडागर्दी काली कमाई जो थाना में दलाल करता है सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग कर। देखिए आज जो मसाल जुलूस निकाले हैं, एक उभरता हुआ लड़का को जिसका नाम है नवीन प्रकाश, पूरे भारत में उसका नाम जाना बिग बॉस में गया, उसको झूठे मुकदमा में फंसा के झाझा के थाना प्रभारी के द्वारा उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद भी उसकी इकलौती बहन की शादी थी, थाना से मात्र 500 गज की दूरी पर उसकी बहन की शादी थी। सारे बुद्धिजीवी लोग झाझा के या नेता लोग सारे थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आप इनको बहन की शादी में सम्मिलित होने दीजिए, फिर आप उसको ले आइएगा। लेकिन उन्होंने एक जरा किसी की नहीं सुना और तानाशाह की तरह मैंने अपना रवैया अपनाते रहा। इसी लिए हम लोग लगातार मैंने कार्यक्रम के लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक गांधीवादी तरह से हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग आज डीएसपी साहब को भी अभिनंदन दिए हैं और उनको भी सूचना दे दिए हैं। फिर अगला जो कल कार्यक्रम होगा वो आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। और जब तक नवीन प्रकाश को रिहा नहीं किया जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। झाझा की जनता चूड़ी पहन के नहीं बैठा है, झाझा की जनता अच्छा अच्छा आदमी को औकात दिखाने के बाद सिखाता है। प्रशासन यहाँ जितना भी है, कोई भी अगर गलत करेगा तो झाझा की जनता बर्दाश्त करने की कभी क्षमता नहीं रखती है। हमेशा उसके लड़ाई विरुद्ध में लड़ा है, इतिहास देखिए, हमेशा थाना प्रभारी का विरुद्ध में जो हुआ तबादला ट्रांसफर हुआ सस्पेंड हुआ, उसी तरह इसका भी होगा। और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे।